नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्योलॉजी पर आज हम बात करने वाले हैं आर्म्स एक्ट 1959 के चैप्टर वन के बारे में इस चैप्टर के अंदर दो सेक्शन है सेक्शन वन और सेक्शन टू जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से पिछली जो एग्ज़ाम्स हुई है उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन वन में जैसा कि सभी जो हम एक्ट्स पढ़ते हैं उसके अंदर बताया जाता है कि उसका विस्तार कहाँ पर होगा कमेंसमेंट डेट क्या होगी वो सारे सेक्शन वन के अंदर बताया है और सेक्शन टू के अंदर डेफिनेशन दी गई है तो इन डेफिनेशन में कौन सी डेफिनेशन कौन से पॉइंट पर है यानी कि कौन से सबसेक्शन में है ये यह हमें यहाँ पर याद रखनी है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं आर्म्स एक्ट 1959 फिफ्टी नाइन आयुध अधिनियम उन्नीस सबसे पहले हम देखते हैं इसके कंटेंट्स तो इसके अंदर टोटल सिक्स चैप्टर्स हैं और फोर्टी सिक्स सेक्शंस हैं पहला जो चैप्टर है वह है प्रारंभिक प्रिलिमिनरी जिसके अंदर सेक्शन वन और टू है जिसमें बताया गया है इसका एक्सटेंशन क्या होगा और इसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में चैप्टर टू जो है उसमें बताया गया है कि जो आयुध आयुद्ध जो, जो गोला बारूद है उनका जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है आयात निर्यात होता है उसकी मैनुफेक्चरिंग होती है उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है चैप्टर थ्री के अंदर बताया गया है जो लाइसेंस जो इसके लिए लिया जाता है हथियार के लिए उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो सेक्शन तेरह से लेके जो एटीन तक जो है चैप्टर थ्री में बताया है चैप्टर फोर में बताया गया है शक्तियाँ और प्रक्रिया क्या होगी उसके लिए सेक्शन नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी बी तक प्रोविजन हैं चैप्टर फाइव में बताया है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज यानी कि इस अधिनियम के अंदर क्या अपराध होंगे और उनके लिए क्या पेनल्टी यानी कि क्या शास्ती लगाई जा सकेगी वो जो है सेक्शन ट्वेंटी फाइव से लेके सेक्शन थर्टी थ्री तक बताया है और चैप्टर सिक्स मिसलेनियस प्रकिरण यानी कि इसके अंदर जो है गिरफ्तारी और उससे रिलेटेड जो आगे के प्रोविजन्स हैं वो सब इसमें बताए गए हैं जो कि सेक्शन थर्टी फोर से लेके कर फोर्टी सिक्स तक है तो आज हम देखते हैं इसका जो सेक्शन वन और सेक्शन टू है उसके बारे में तो टोटल इसका जो सेक्शंस से हैं वो फोर्टी सिक्स हैं और चैप्टर सिक्स हैं इसका एक्ट नंबर यानी कि अधिनियम अधिनियम संख्या क्रमांक जो है वह है फिफ्टी फोर सन नाइनटीन फिफ्टी नाइन का प्रेसिडेंट की परमिशन यानी कि राष्ट्रपति की, की अनुमति इसे ट्वेंटी दिसंबर नाइनटीन को प्राप्त हुई और यह लागू हुआ यानी कि कमेंसमेंट डेट जो है इसकी वो फर्स्ट अक्टूबर नाइन्टीन है इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये जो है मेजर डिफरेंस है कि जिस दिन उसको अनुमति मिली उसके बाद ये जो लागू हुआ वो पूरे दो से ढाई साल बाद जो है लागू हुआ है तो इसलिए आप इस डेट को याद रखिएगा एक्सटेंड्स इसका हो मतलब जो विस्तार है वो पूरे संपूर्ण भारत पर है इसका ऑब्जेक्टिव आयुध और गोला बारूद से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए यह अधिनियम है यानी कि जो आर्म्स है एम्यूनेशंस है उनसे रिलेटेड जो आ, नियम है उनको बनाना और उनको संशोधन करने का जो काम है वो इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा सेक्शन टू देखते हैं इसकी डेफिनेशन पहला है अर्जन एक्विसीजन तो इसके अंतर्गत क्या आता है तो अर्जन से एक शब्द से हमें समझ में आता है कि क्या अर्जित किया गया तो उसके अंतर्गत जो है जो व्याकरणिक रूप भेद हैं यानी कि अलग अलग शब्दों के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं लेकिन वो इसी के अंदर बताएंगे कैसे कि अगर किसी वस्तु को यानी कि कोई आम्स है जो जिसको आपने भाड़े पर लिया यानी कि रेंट पे लिया है या फिर आपने उसको उधार लिया है बोरो किया है या फिर आपने उसे किसी गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट किया है दान के रूप में एक्सेप्ट किया है तो वह सारी जो चीज़ें हैं वो अर्जन के अंतर्गत ही काउंट की जाएगी चाहे उनके ग्रामेटिकल वेरिएशन कैसे भी हों यही इसके अंदर बताया है सेकेंड गोला बारूद एम्बिनेशन क्या होगा तो किसी अग्नि युद्ध के लिए गोला बारूद इसके अंतर्गत आता है तो वो कौन कौन सी चीज़ें होगी जैसे रॉकेट हो गया बम यानी कि जो बॉम्ब्स होते हैं ग्रेनेड होते हैं जो अपन जो विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं गोला जो तोप के अंदर यूज़ किया जाता है तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेज हैं या इस तरीके के जो ये शस्त्र जो अस्त्र शस्त्र हैं इनके अंतर्गत जो बारूद यूज़ किया जाता है वह जो है एमिनेशन के अंतर्गत आएगा इसी के अंतर्गत फिर एक और चीज़ आती है टॉर्पीडो जो कि हम देखते हैं टॉर्पिडोज़ जो होते हैं वो सब मरीन सोरेन्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं तो अगर इस तरीके के टॉरपीडोज़ को अगर कोई जो है समुद्र के अंदर जो है सुरंग बिछाने का काम कर रहा है तो वो भी जो है आ, एमिनेशन के अंतर्गत आता है विस्फोटक फिल्मिनेटिंग या विखंडनीय सामग्री यानी कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या फिर कोई ऐसा जो बिल्कुल तेजी से यानी कि फिल्मिनेटिंग का मतलब यह होता है कि बिल्कुल स्फूर्तिकारक ऐसा ऐसा सब्सटेंस जो बहुत जल्दी जो है किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा सकता है या इसको आप बोल सकते हैं जैसे हाईली इन्फ्लेमेबल जो एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि हाईली इन्फ्लेमेबल गैस जो होती है या लिक्विड जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है या विखंडनीय सामग्री या नॉक्शियस लिक्विड यानी कि अपायकर द्रव ऐसा कोई सबसे ऐसा कोई लिक्विड जो कि हानिकारक हो सकता है किसी के लिए या ऐसी कोई हानिकारक गैस अन्य ऐसी चीज़ों को अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित यानी कि डिज़ाइन या अनुकूलित यानी कि अडाप्टेबल अन्य वस्तुएं चाहे वह अग्निहितों के साथ उपयोग हो या ना हो वो जो है गोला बारूद यानी कि एमिनेशन के अंतर्गत आती हैं अग्नि युद्ध के लिए भरण और ऐसे भरण के लिए उपसाधन तो यहाँ जो फायर आर्म्स हम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं तो उन फायर आर्म्स के लिए जो उसके फायर आर्म्स के अंदर जो गोला बारूद यूज़ होता है उसको भरण के लिए जो उनके जो चार्जेस होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं फ्यूज़ेस एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स यहाँ फ्यूजेस और फ्रिक्शन ट्यूब्स से मतलब वो चीज़ें हैं जैसे कि फ्यूज़ जो हैं वो कई बार बॉम्ब बनाने में या मिसाइल्स में और इनमें यूज़ होते हैं या फ्रिक्शन ट्यूब्स जो कि घर्षण डलिकाएँ जिन्हें बोलते हैं तो ये कई बार बंदूकों में और इनमें यूज़ होती हैं तो इस तरीके की चीज़ें हैं वो एम्यूनेशन के अंदर आएगी गोला बारूद के संगठक और उसके विनिर्माण के मशीनरी यानी कि जो गोला बारूद बनाने की जो सामान है सामग्री है वो या फिर उसको बनाने की जो मशीन है वो भी एम्यूनेशन के अंतर्गत आएगी गोला बारूद से ऐसे संगठक जिन्हें केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विर्दिष्ट कर दे यानी कि जो इसमें बताया गया है वो तो है ही इसके अलावा भी अगर केंद्र सरकार किसी चीज़ को जो है अधिसूचना में निर्दिष्ट कर दे कि ये जो सब्सटेंस है वेमिनेशन के अंतर्गत आते हैं तो वह भी इसके अंदर काउंट किए जाएंगे तो ये जो डेफिनेशन के अंदर जो हमने देखा है तो जहाँ भी गोला बारूद जो है शब्द आएगा इस अधिनियम के अंतर्गत तो वहाँ इन सारी ही चीज़ों का मतलब समझा जाएगा उस वर्ड के अंदर सी आयुध यानी कि आर्म्स क्या होंगे तो आयुध में आने वाली चीज़ें जो हैं वो हैं आक्रमण प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकल्पित किसी भी वर्णन की वस्तु है यानी कि आप आ, या तो ऑफेंस के लिए रिलेटेड हो या डिफेंस से रिलेटेड हो यानी कि आक्रमण हो या फिर आपकी प्रतिरक्षा हो दोनों ही चीज़ों में अगर आप जो इस तरीके का सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है किसी के लिए या फिर बहुत ज़्यादा तेज धार वाला हो जैसा कि लिखा है इसमें तीक्ष्ण धार वाले तो इस तरीके के सब्सटेंस हो जो कि सामने वाले को नुकसान पहुँचा सकते हो तो इस तरीके के जो आर्म्स होंगे वह जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे आर्म्स के अंतर्गत और उसका जो पार्ट होगा यानी कि अगर कोई चीज़ दो तीन पार्ट से मिलकर बन रही है तो उसका जो पार्ट होगा वह भी उसके अंतर्गत आएगा अब यहाँ पर हो सकता है वो भाला जो हम यूज़ करते हैं वो आ जाए या फिर तेज धार वाली तलवार आ जाए तो इस तरीके की जो चीज़ें होगी वो यहाँ आर्म्स के अंतर्गत आएगी अब क्या नहीं आएगा तो उसमें एक बताया गया है कि जो घरेलू या कृषि उपयोग में जो चीज़ें आती हैं जो डिज़ाइन की गई है उन घरेलू और कृषि उपयोग के लिए जैसे कि लाठी या फिर कोई छड़ी हो गई तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्म्स के तौर पर यूज़ नहीं की जा सकती वो इसके अंतर्गत आती है या फिर कोई खिलौने जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि प्लास्टिक की जो कैंची आती है यानी कि सीज़र या फिर प्लास्टिक के जो चाकू आते हैं या फिर बच्चों के जो खेलने की चीज़ें आती हैं जो कि है आर्म्स एक देखा जाए उनकी डिज़ाइन आर्म्स के तौर पर है लेकिन वो आर्म्स के तौर पर यूज़ नहीं किए जा सकते तो वह जो है आयुध के अंतर्गत नहीं आएंगे डी जिला मजिस्ट्रेट यहाँ जिला मजिस्ट्रेट का मतलब होगा कि जो पुलिस आयुक्त है यानी कि जो पुलिस कमिश्नर है जो किसी क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है तो वह जो पुलिस कमिश्नर होगा वो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट इसके अधिनियम के अंतर्गत समझा जाएगा लेकिन अगर राज्य सरकार यहाँ चाहे तो किसी डेप्यूटी कमिश्नर को भी जो है इस पद को धारण करने के लिए शक्ति प्रदान कर सकती है तो इसीलिए बताया गया है कि जो इसको पुलिस कमिश्नर को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की जो शक्ति होगी वो राज्य सरकार के पास होगी ई अग्न आयुद्धों यानी कि फायर आर्म्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा तो फायर के अंतर्गत किसी विस्फोटक या अन्य प्रकार की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल्स को चलाने के लिए परिकल्पित अनुकल्पित किसी भी प्रकार के शस्त्र तो यहाँ प्रोजेक्टाइल्स का क्या मतलब है तो वो सीधा से ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे कि टैंक के द्वारा जब जो है गोले छोड़े जाते हैं या किसी मिसाइल को छोड़ना या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको धक्का लगा के या पुश करके बाहर फेंका जाता है तो वो सारी ही जो चीज़ें हैं जो फायर आर्म्स हैं उनको जब फेंका जा रहा है तो वो इसके अंतर्गत आएंगे तो वो कौन कौन हो सकते हैं तो तोपे हो सकती है यानी कि कैनन्स हाथ गोले हो सकते हैं या राइट पिस्टल्स हो सकती हैं राइट पिस्टल यहाँ पर वो चीज़ होती है जो कि शॉर्ट गन होती है जिससे कि ज़्यादा इंजरी ना हो सामने जब वो चलाई जाए तो इससे जो है डेथ या ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं नॉक्शस लिक्विड गैस यानी कि वही चीज़ें यानी कि अप या हानिकार जो लिक्विड है वो या फिर जो गैस है या फिर ऐसी कोई ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ऐसा नुकसान पहुंचाया जा सके तो या फिर इनको जो छोड़ने वाले जो सब्सटेंस हैं यानी कि जो जैसे टैंक है तो टैंक के द्वारा जो गोला छोड़ा जाता है तोप के द्वारा जो गोले छोड़े जाते हैं तो उसके अंदर जो तोप जो उसको छोड़ रही है वो भी इसके अंतर्गत जो है आएगी जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो अदर थिंग्स इनको छोड़ने के लिए जो परिकल्पित है ये अनुपूलित है यानी कि जो इनको छोड़ने के लिए डिजाइन की गई है या अडाप्ट की गई है कई बार हम देखते हैं रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं तो वो जो लॉन्चर होगा जो प्लेटफॉर्म होगा वो इसके अंतर्गत आएगा अगला अग्नायदु को चलाने से हुई आवाज़ या चमक को कम करने के लिए यानी कि कई बार हमने देखा है कि जो आ, बुलेट जो हम आ, गन से जो फायर किया जाता है तब उसके आगे जो है साइलेंसर लगा दिया जाता है तो वो इसलिए लगाया जाता है ताकि उसकी आवाज़ कम की जा सके तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो एसेसरीज़ हैं वह भी जो है फायर आर्म्स के अंतर्गत आएगी या फिर उसके जो जो फायर आर्म्स हैं उनके अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं तो और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अगर कहीं अलग अलग जगह पर बन रहे हैं तो उसकी जो मशीनरी है या जो उसके पार्ट हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। तोपों को चढ़ाने यानी कि जो कैनन्स हैं उनको चढ़ाना उनका परिवहन करना यानी कि उनका जो है एक तरीके से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और उन्हें काम में लाने के लिए जो है कैरीज या प्लेटफॉर्म या अप्लाइंसेज़ तो उनका यूज़ करना भी फायर आर्म्स के अंतर्गत आएगा तो इसके अंदर यह समझा जा सकता है कि अगर किसी तोप को किसी प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है तो वो प्लेटफॉर्म भी फायर आर्म्स के अंतर्गत आ जाता है उसको चलाने के लिए अगर जो है कोई गाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है जिसके द्वारा उसको इधर उधर यानी कि ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके अंतर ट्रांसपोर्टेशन उसका किया जा रहा है तो वो जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर फायर आर्म्स की कैटेगरी में आ जाएगी ई ए अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार जारी कोई अनुज्ञप्ति जो है वो इसके अंतर्गत आएगी और इसके अंतर्गत जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आपको लाइसेंस मिला है तो वो भी यहाँ पर आएगा एफ अनुज्ञापन प्राधिकारी यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगा तो वही जो कि इसके अंतर्गत जिसको है प्राधिकार प्राप्त है यानी कि अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण यानी कि रिन्यूअल करने के लिए सशक्त जो प्राधिकारी है वह भी इसके अंतर्गत आएगा और जो सरकार है वह भी इसमें सम्मिलित है एफ एफ मजिस्ट्रेट कौन होगा तो यहां पर जो है सीआरपीसी के अधीन जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वही यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट समझा जा जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत एच प्रतिषिद्ध गोला बारूद जैसा कि हमने आगे डेफिनेशन में देखा बी के अंदर कि गोला बारूद क्या होगा अब यहाँ बताया गया है कि क्या प्रतिषिद्ध यानी कि किसको प्रोहिबिट किया गया है किसी किसके ऊपर रोक लगा दी गई है प्रतिबंधित किया हुआ है जो गोला बारूद है वो क्या होगा तो किसी भी हानिकारक द्रव यानी कि वही नॉक्शस लिक्विड या गैस या अन्य ऐसी चीजों को अंतर्विष्ट रखने के लिए जो है डिज़ाइन या अडेप्टेबल कोई भी गोला बारूद जो है वो इसके अंतर्गत आता है चाहे वो रॉकेट हो बम ग्रेनेड गोला और ऐसे ही अन्य शस्त्र हो, अस्त्र हो या टोरपीडो जो कि समुद्र के अंदर हमने वही देखा जो सुरंग बिछाने के लिए जो काम में आ जाए वो या फिर गोला बारूद ऐसे संगठक जिन्हें केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे निमित्त वृद्धिष्ट करे तो वह सारी चीज़ें जो हमने गोला बारूद की डेफिनेशन के अंदर देखा वो सारी इस चीज़ों के अंदर अगर उसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा घातक हो सकती है जिसका पब्लिक यूज़ नहीं होना चाहिए तो वो इसके अंतर्गत जो है प्रतिषिद्ध गोला बारूद के अंतर्गत बताया गया है प्रतिषिद्ध आयुध क्या होगा जैसे हमने आयुध देखा आर्म्स क्या होता है वैसे ही यहाँ बताया गया है कि प्रोहिबिटेड आर्म्स क्या होंगे तो वे अग्नयुद्ध जो इस प्रकार परिकल्पित हैं या डिज़ाइन इस तरीके से जिन्हें डिज़ाइन किया गया है कि जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल इसमें जो दिया गया है कि अगर कोई जो पिस्टल है या जो गन है उसका जो ट्रिगर है यानी कि जो घोड़ा है जब तक उस पर दबाव बनाया रहेगा यानी कि अगर उसको किसी ने प्रेस कर दिया है दबा के रख दिया है और बस उसको छोड़ा नहीं है तो जब तक वो छोड़ नहीं दिया जाता जब तक उस पर दबाव बना रहता है तब तक जो है वह जो है यहाँ पर प्रोहिबिटेड आर्म्स के अंतर्गत काउंट होगा या फिर जो उसके अंतर्गत जो मैगजीन यूज़ होती है पिस्टल के अंदर और जब तक वो पिस्टल खाली ना कर दी जाए तब तक वह यही समझी जाएगी कि वो प्राइवेटेड आर्म्स के अंतर्गत आती है या फिर जो कंटिन्यू फायरिंग आर्म्स हैं वो हो गए तो ये सारी जो है यहाँ पर प्रतिशत के अंतर आएंगे दूसरा जो है वह यह कि किसी भी वर्णन के जो शस्त्र हैं यानी कि आ, कोई अदर इनको छोड़कर अगर कोई जैसे जो हार्मफुल लिक्विड हो गई हार्मफुल गैस हो गई या फिर ऐसी कोई अन्य चीज़ जिसको छोड़ने या परिकल्पित हो यानी कि जो नुकसान पहुंचा सकती हो किसी भी आ, ज़्यादा मात्रा में लोगों को हार्म पहुंचा सकती हो वह यहाँ इसके अंतर्गत आएगी या फिर ऐसी तोपे या वायुयान जो वायुयान को जो भेज सकती हो इस तरीके की कोई आपके पास टेक्नोलॉजी या मिसाइल है जो आ, मिस, आ, ये वायुयान को या टैंक को भेज सके तो वह भी यहाँ पर प्रतिशित की गई है या फिर और इसके अलावा भी अगर कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा आर्म है या फायर आर्म है जो गवर्नमेंट को लगता है कि वह घातक हो सकता है या इस तरह की कैटेगरी में आता है तो वह यहाँ पर अधिसूचना द्वारा उसे इस लिस्ट में डाल सकेगी के अंतरण ट्रांसफ़र क्या होगा तो ट्रांसफर का वही मतलब होगा भाड़े पर देना या फिर उधार देना कब्जा देना या कब्जा विलक करना तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ट्रांसफर के अंतर्गत आएगी इसके अंदर एक और पॉइंट है एक डेफिनेशन और है कि लोक सेवक कौन होंगे तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जो लोक सेवक हैं वह वही होंगे जो आई पी सी एटीन सिक्सटी के यानी कि हमारी भारतीय दंड संहिता के जो सेक्शन ट्वेंटी वन के अंदर जो लोक सेवक दिए गए हैं वही यहाँ पर भी लोक सेवक समझे जाएंगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वह यह कि जो अग्नि युद्ध की जो नाल की लंबाई है यानी कि जो पिस्टल या जो गन आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो लंबाई है उसकी नाल मुख से लेकर फायर करने पर भरण का विस्फोट होने तक नापी जाएगी ये इसलिए नापी जाती है क्योंकि इसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही लाइसेंस दिया जाता है तो ये जो नाल होती है ये कहाँ से जो फायरिंग यानी कि जो उसका जो जहाँ से फायर हो रही है बुलेट उस जगह से अंदर से उस नाल से उस नली के वहाँ से जो नली जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ तक की जो है उसमें डिस्टेंस नापी जाती है तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे नाल मुख की जो लंबाई है नाल की जो लंबाई है वो वही होती है तो यह था इसका डेफ़िनेशन वाला पार्ट इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग